नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खास पेशकश अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ मनीषा शर्मा। चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों का। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ों में आफत बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश के कारण राजीव नगर बंगाली कॉलोनी और बजरी कंपनी पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, जिसके बाद अब उत्तराखंड वन विकास निगम के डिपो नंबर 3 से सटे हुए सभी क्षेत्र जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं। बता दें कि क्षेत्रवासी काफी लंबे समय से बेहतर पानी की व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं की गई, जिसके चलते लोगों के घरों में रखा गया राशन पानी और फर्नीचर लगभग सब कुछ बर्बाद हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक मौके पर किसी भी जनप्रतिनिधि या फिर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने निरीक्षण तक नहीं किया है। तो लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गया है। तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लगातार भारी बारिश के कारण आफत बनी हुई है लोगों की, क्योंकि लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, वाहन फंसे हुए हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ता है। पौड़ी से खबर आपको बता दें, जहां पर नोठा संजीव मोटर मार्ग में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से वाहन चालक भी मौके पर मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि विकास खंड पापो के बुरासी के अंतर्गत आने वाले नोठा जेंसी मोटर मार्ग में एक मैक्स गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। चौकी प्रभारी सूरत शर्मा ने बताया कि वाहन चालक लक्ष्मण सिंह राणा गाड़ी को लेकर नोठा से सेंजी की तरफ जा रहा था, जहाँ पर आधे रास्ते में चालक ने गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और वाहन 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। तो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं चमोली जिले के पीपलकोटी मठ बेमरू सियूण में लदाऊ गदेरा उफान पर होने से लकड़ी का पुल जो है वो बह गया है, जिससे ग्रामीणों का जन जीवन रुक सा गया है। ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। जिले में 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से शनिवार को पीपलकोटी मठ बेमरू सियूण गाँव के जोड़ने वाला लदाऊ गदेरा पर अस्थायी लकड़ी की पुलिया बहाव पर बह गई है। पूर्व ग्राम प्रधान बेमरू रविंद्र सिंह नेगी, सियूण ग्राम प्रधान मनोरमा देवी ने जानकारी देते हुए ये बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा ग्रामीणों के लिए अस्थायी लकड़ी का पुल बनाया गया था, जो कि बीती रात भारी बारिश के कारण बह गया, जिसकी जानकारी जिला आपदा कंट्रोल रूम को दे दी गई है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि गांव को जोड़ने वाले पैदल संपर्क मार्ग भी जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत छूनकाल गुदाओं गदेरे में कल रात की बारिश के कारण टम्परेली पुल जो बना था वो भी ढह चुका है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही की बड़ी दिक्कतें आ रही है। हम हर साल जो है इस तरह की लकड़ी का पुल लगाते हैं और वो बार बार ढह जाता है, जिसके कारण गांव वालों को बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि ये मोटर पुल का जो है निर्माण किया जाए, ताकि लोगों को हर साल इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दूं, पिछले जो 28 जुलाई को बारह पटने से यहाँ पे जो लकड़ी का पुल था वो बह गया था, फिर से प्रशासन को सूचित करने के बावजूद यहाँ पे फिर से लकड़ी का पुल बनाया गया था, लेकिन वो कल रात के भारी बारिश से वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। और इस तरह की समस्या, इस तरह का जो स्थिति है, ये ग्रामीणों को हर वर्ष बरसातों में देखना पड़ता है, और इसलिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि अब इस तरह की लकड़ी का पुल से काम नहीं चलेगा। मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पे जल्द से जल्द मोटर पुल का निर्माण का कार्य शुरू करें और शासन प्रशासन लगातार ग्रामीणों की जो समस्या है उससे अनदेखी कर रही है। मैंने पिछले जो मैं विभिन्न माध्यम से मैंने प्रशासन को ज्ञापन दिया था कि आपदा से लोगों की 100 नालियाँ जमीन और 3 गौशालाएँ खतरे की जद में है।
तो पीपलकोटी मठ बेमरू सियूण में लकड़ी का पुल बह गया है, जिसके कारण अब लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली दफा नहीं है, पहली बार नहीं है, लगातार प्राकृतिक आपदा जो है वो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बनी हुई है। खासकर बात की जाए उत्तराखंड की, तो वहां पर जलमग्न हो गया है सब कुछ, जैसा कि तस्वीरें साफ बयां कर रही है किस तरीके से जो पुल बहने से बाढ़ आती है, भारी बारिश के कारण ये आपदा आती है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुभाष गौर हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो सुभाष, आपसे जानकारी चाहूंगी कि किस तरीके से अब ये जो लकड़ी का पुल बना हुआ था वो बहने लगा है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या बनी हुई है ताजा स्थिति, ताजा हालात क्या कुछ है? जी बिल्कुल, प्रदेश में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, और जनजीवन अस्त व्यस्त ही नहीं बल्कि प्रदेश की कई महत्वपूर्ण सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनको खोलने के लिए बीआरओ की टीम लगातार प्रयास कर रही है। वहीं अगर बात की जाए राजधानी देहरादून में भी मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन अलर्ट पर हो गया, क्योंकि जिस तरीके से कल राजधानी देहरादून में जो नदियों का उफान था वो बहुत तेजी था, नदियों की वजह से सड़कें जो कटाव हुई वो बहुत अधिक हुई, और साथ ही जो पुल थे राजधानी देहरादून से ऋषिकेश को जोड़ने वाला वो भी। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन किस कदर जुटा हुआ है ताकि इस समस्या को व्यवस्थित किया जाए, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से अब लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें आए दिन नई नई तस्वीरें देखने को मिलती है। हालांकि ये सवाल खड़ा होना बिल्कुल लाजमी है कि प्रशासन के स्टेटस इस वक्त क्या है? जी बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन को इस समय महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को कहा है कि उनके क्षेत्र में जो भी आपदा से निपटने के लिए स्थितियां बनाई जा सकती हैं, जो भी सुविधा चाहिए वो जिला अधिकारी अपने स्तर से कर सकता है, उसके लिए किसी आला अधिकारी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अपने जिले की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने उस जिले के जिला अधिकारी को दिया, तो कुल मिला के कहा जा सकता है जिला अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है अपने जिले में आपदा से निपटने के लिए, सड़कें खोलने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए। और यदि कोई ऐसे गांव है जहां खाना नहीं पहुंच पा रहा है, कनेक्टिविटी बंद हो चुकी, तो उन क्षेत्रों में लोगों की मदद करने की जिम्मेदारी भी जिला अधिकारी के सर पर रखी गई है मुख्यमंत्री की ओर से। यानी कि लोगों को समस्या को वो परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन भी जुटा हुआ है कि कैसे तैसे इस परिस्थिति से बाहर निकला जाए और लोगों के लिए उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुभाष। तो पीपलकोटी मठ बेमरू सियूण में लकड़ी का पुल बहने से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जलमग्न दिखाई दे रहा है तस्वीरों में साफ साफ, जहां पर चमोली की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। वहीं चमोली में मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक पिछले दो दिनों से लगातार बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते जहां मठ झड़ेता सियूण क्षेत्र और उर्गम क्षेत्र के कई गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भनेर पानी और पागल नाला के पास मलबा आने से बाधित हो गया है। बताते चले कि जिले में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश जारी है, बारिश के चलते कई गांवों को जोड़ने वाले पैदल संपर्क मार्ग और साथ ही सड़कें मलबा आने से रुकी हुई है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों का जनजीवन अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दसौली ब्लॉक के सियूण क्षेत्र में पिछले दिनों बने वैकल्पिक पुल एक बार फिर से बह गया है और लोगों के सामने आवाजाही यानी आने जाने में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मुश्किलें इस दौरान लोगों की बढ़ गई हैं आने जाने में रास्ते पर, और हालांकि जिला प्रशासन का ये साफ तौर पर कहना है कि जिले के सभी तहसील और थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू किए जाने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों की स्थितियों पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है, तो लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि ये भी खबर है कि प्रशासन जो है वो व्यवस्थाओं को करने के लिए अपनी जो नजरें हैं वो भी व्यवस्थाओं पर बनाए हुए हैं ताकि आगे लोगों को परेशानी ना हो और स्थिति को सुधार किया जाए स्थिति में, और जो भी लोगों को परेशानी हो रही है उसमें लोगों उस परिस उन परिस्थितियों में सुधार किया जाए।
वही खबर नैनीताल से, जहां पर नैनीताल और उसके आसपास देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते एक दर्जन मार्ग बाधित हो गए हैं। इसके अलावा 9 ग्रामीण मार्ग भी बंद बताए जा रहे हैं, जिससे आवाजाही करने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि देर रात लगभग 11 बजे से लगातार बारिश का दौर जारी है और कई घरों के अंदर तो पानी तक भर गया है। बता दें कि अलबत्ता मार्ग को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी मार्गों को अति शीघ्र खुलवाने के निर्देश जिला अधिकारी नैनीताल को दिए हैं। बारिश के चलते पूरे सरोवर नगरी यानी नैनीताल भयंकर कोहरे में छाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नैनीताल पुलिस के अनुसार ज्यादा बारिश के कारण डॉन बॉस्को स्कूल के पास नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर भूस्खलन से सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। तो मार्गों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर जो काम है वो किया जा रहा है। लगातार प्रशासन और तमाम जो समिति हैं, जो तमाम जो टीमें हैं, वो लगी हुई हैं ताकि कैसे तैसे मार्गों को खोला जाए, रास्तों को खोला जाए लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को जो इस दौरान जो बंद रास्ते हैं वहाँ पर आवाजाही में, आवागमन में और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और वहीं उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा का सत्र न सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से पूरा हुआ, बल्कि प्रदेश और जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में स्वस्थ चर्चा भी देखी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तिगत प्रयासों की वजह से सदन में वो सौहार्दपूर्ण माहौल दिखा जिसे स्वस्थ लोकतंत्र का आधार माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बाद धामी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री बताए जाते हैं जो विधानसभा में नेता सदन की भूमिका में भी सफल साबित हुए हैं। कई फैसलों को लेकर विपक्ष भी धामी का मुरीद हो गया है। सदन के बाहर भी विपक्ष ने मुख्यमंत्री का दिल खोलकर तारीफें की हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये साफ तौर पर कहना रहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि मुख्य सेवक के तौर पर वो सभी समस्याओं का समाधान कर सके ताकि लोगों के लिए स्थितियों को और बेहतर बनाया जा सके, तो लोगों को फायदा हो, विकास हो राज्य का, लोगों में उनके प्रति विश्वास हो, चाहे सरकार की बात हो या फिर व्यक्तिगत तौर पर उनकी बात हो, जनता के प्रति उनको लेकर और उनकी पार्टी को लेकर, राज्य सरकार को लेकर उनमें विश्वास पैदा हो, ऐसी पूरी कोशिश कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देखिए, हमारा सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो भी सवाल होते हैं वो सब महत्वपूर्ण होते हैं। इस बार हमारे अच्छी बात यह है कि हमारे पक्ष विपक्ष के हमारे साथीगण हैं, सभी लोगों ने सत्र में भाग लिया है और खूब स्वस्थ चर्चा हुई है। और इसमें जो प्रदेश के हित में, छात्रों के हित में, यहाँ पर जो है हमारे जितने भी वर्ग हैं, उपभोक्ता वर्ग है, उन आज के वर्ग में जो भी अच्छी चीजें जो हो सकती हुई है, जो राहत सरकार दे सकती थी, उनको हमने किया है। हमारा प्रयास था कि हम अधिक से अधिक जो है इस सत्र को जनता के लिए उपयोगी बनाएं, जनता के हित के लिए बनाएं। अब देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर सतत विकास लक्ष्य को लेकर उत्तराखंड विधानसभा में विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने राज्य के विकास के रोड मैप को लेकर अपने अपने विचार सामने रखे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क और बिजली जैसे अहम मुद्दों को लेकर विधायकों ने सदन में सुझाव भी दिए, जिन पर सुझावों पर सरकार ने भी अमल करने का आश्वासन दे दिया है। बताते चले कि सदन के दौरान अधिकांश विधायकों ने कृषि के समायोजित विकास को लेकर अपने सुझाव रखे। वहीं शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारे जाने पर भी विधायकों द्वारा सुझाव दिए गए हैं। विपक्ष की तरफ से उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो सुझाव दिए गए हैं उन पर सरकार को अमल करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सदन के भीतर चर्चा की सराहना और तारीफ सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों ने भी की है। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि दुनिया भर में सतत विकास को लेकर गहनता से विचार किया जा रहा है। चलने वाला कार्यक्रम है, एक आज काम हो गया, कल दो और नए काम खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक मूल तरीके से हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, इसके लिए सदन में चर्चा हुई है। और मैंने सबसे कहा है कि ये सदन में ही चर्चा नहीं करनी है, माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में जाके वहाँ के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक में जिला पंचायत अध्यक्ष, महिला मोर्चा, ये महिला समूह, युवती मंगल दल, युवक मंगल दल, सबको साथ लेके
उनको जागरूक करें और उनके माध्यम से हम क्षेत्र में जाएं तो निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन होगा और प्रदेश बहुत जल्दी तरक्की करेगा। कई विधायकों के सुझाव भी आए, किस तरीके से बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और कुछ लोगों के और आएंगे। सबको अधिकारियों ने नोट किया है और उसको नोट करके जो अधिकारियों के हिसाब से काम होने होंगे उन पर अधिकारी भी कर इनका रेखांकन हो और उसकी जो दिक्कतें आने वाली उनके उनके सॉल्यूशन निकले, तो इन विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी तरीके से मत्स्य में आपने से हिमाचल में कहा, वहाँ ट्रॉट मछली का बहुतायत में उत्पादन होता है। हमारा धारचूला का सेठ, हमारा चौकुड़ी का क्षेत्र, हमारा जहाँ हमारे कोटगाड़ी की माई रहती है उस क्षेत्र में अगर आप बारू में आ जाएं तो काफी पानी है और ठंड भी है, तो वहाँ ट्रॉट मछली का उत्पादन हो सकता है। और हमारी जो एरिया है, भौगोलिक एरिया जो है, वो हिमाचल की उस एरिया से जहाँ ट्रॉट उत्पादन होता है उससे कहीं ज्यादा है, तो हम ट्रॉट उत्पादन में दुनिया में और देश में सबसे पहले नंबर पर आ सकते हैं, बशर्ते कि हमारी जो नीली क्रांति है वो खाली कागजों तक ना हो। मैं देखता हूँ जिले को 5,000, 20,000, 50,000 का बजट मिलता है, उससे कोई मत्स्य पालन में फायदा नहीं हो सकता। जब तक हम प्रोफेशनल ढंग से हम अपनी योजना को आगे ना बढ़ाएं तब तक नहीं हो सकता। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए सुभाष, देखिए बहुत कम ये देखा जाता है कि जो विपक्ष है वो भी सत्ता में, सत्ता की जो बात करते हैं सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने ये साबित कर दिया है कि उनका समर्थन पूरा विपक्ष कर रहा है। कैसा रहा ये सब देखना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये एक किन मायनों में खास लगता है, क्योंकि बहुत ही कम ये देखा जाता है कि विपक्ष भी पक्ष के जो सत्ता है उसके पक्ष में है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड का मॉनसून विधानसभा का जो 6 दिवसीय सत्र था वो आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया और कुल मिला के कहा जा सकता है कि काफी शांतिपूर्वक सदन के अंदर ये सत्र चला है, ऐसा खुद प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका कहना है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस सत्र में ना केवल विपक्ष ने सदन के बाहर सरकार को घेरने की कोशिश की, बल्कि सदन के अंदर भी सरकार पर कई गंभीर आरोप विपक्ष के जो सदस्य थे वो लगाते हुए नजर आए। हालांकि सरकार के जो मंत्री थे वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष के जवाबों को देते हुए नजर आए और विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो सरकार के जो मंत्री हैं उनके सवालों से संतुष्ट नजर आए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेता सदन के रूप में पहला उनका विधानसभा ये सत्र था और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह का भी पहला विधानसभा सत्र था। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री बंसीधर भगत के का भी ये पहला विधानसभा सत्र था और कुल मिला के कहा जा सकता है कि अनुपूरक बजट भी इस विधानसभा सत्र में पास किया गया जो कि 57,000 करोड़ के आसपास का था। लेकिन बड़ी चीज ये है कि बजट के साथ साथ कई विधेयक भी इस सदन में पास किए गए और आज इस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि सदन के अंदर विपक्ष ने भी शांतिपूर्वक सदन चलने दिया और यही कारण था कि विधायकों को जो सवाल थे उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क यानी पूरे राज्य के जो विकास है उसको लेकर भी अपने अपने सुझाव यहां पर पेश किए हैं। क्या लगता है कि कितनी उनकी बातों को माना जा सकता है, कितने बिंदुओं पर अमल किया जा सकता है विपक्ष की अगर हम बात करें तो? जी बिल्कुल, ना केवल विपक्ष बल्कि सरकार के जो विधायक थे वो भी कहीं ना कहीं अपने सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे कहीं ऐसे मुद्दों पर जो जनहित से जुड़े थे, चाहे बेरोजगारी की बात कर ली जाए, गन्ना किसानों की बात कर ली जाए, फिर या स्थानीय सड़कों की बात कर ली जाए, इन मुद्दों पर जरूर जो पार्टी के जो विधायक थे वो भी अपने सरकार के मंत्रियों को घेरते हुए नजर आ रहे थे और उसका मुख्य कारण था कि विकास को किस तरीके से बढ़ाया जाए, जो स्थितियां सुधरने की जरूरत है प्रदेश में उसको किस तरीके से सुधारा जाए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री ने आज खुद कहा कि जो सदन है वो बेहद शांतिपूर्वक चला, विपक्ष का बेहतर जो कहा जा सकता है समर्थन है सरकार को भी मिला और यही कारण था कि सभी विधायकों के जो प्रश्न थे उनके प्रश्न विधानसभा सदन के अंदर रखे गए और उनका बेहतर जवाब सरकार के मंत्रियों द्वारा दिया गया। और ये भी देखा गया कि मुख्यमंत्री ने इस बार सदन में अपनी जो समय है वो बहुत ज्यादा दिया, हालांकि इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने विधानसभा सदन के दौरान जो सत्र के दौरान सदन में अपनी भूमिका कम निभाई, लेकिन इस बार खुद मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपने विभागीय मंत्रियों का समर्थन करते हुए नजर आए और कई विधायकों के जो सवाल थे उनका जवाब खुद मुख्यमंत्री ने दिया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 6 दिवसीय ये जो विधानसभा सत्र था ये काफी शांतिपूर्वक चला और जनहित के जो सवाल थे वो विपक्ष ने सदन के अंदर सरकार से पूछा और उसका जवाब भी सरकार द्वारा दिया गया। सुभाष, ऐसा कभी देखने को मिलता है जहां पर सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों जो पक्ष हैं वो
एक दूसरे की बातों से सहमत हो और समर्थन करें एक दूसरे का, ये बहुत ही कम तस्वीरें ऐसे देखी जाती है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुभाष। तो कृषि के समायोजित विकास को लेकर विपक्ष ने भी तमाम सुझाव दिए हैं, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, बिजली को और राज्य के विकास को लेकर भी जो विपक्ष है, तमाम जो दल हैं, पार्टियां हैं, उन्होंने भी सदन में अपने सीएम के आगे जो है वो सुझाव रखे हैं। और देश में जहां एक तरफ साफ सफाई की बात की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश की जनता से बार बार साफ सफाई को लेकर अपील की जा रही है कि अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखा जाए, जिसके चलते राज्य सरकार भी बार बार प्रदेश की जनता से अनुरोध कर प्रधानमंत्री की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रयास में लगी रहती है। लेकिन अगर हम बात करें अधिकारियों के गढ़ तहसील परिसर हरिद्वार की, तो ये वीडियो फुटेज के जरिए आप खुद ही देख सकते हैं कि द्वार ज्वालापुर तहसील परिसर में किस कदर गंदगी, कूड़े, कचरे के अंबार लगे हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार लगातार सफाई अभियान को बढ़ावा देती है, लेकिन खुले में डाले जा रहे इस कचरे को देखकर साफ हो जाता है कि ना तो यहां आम जनता को सफाई अभियान की कोई परवाह है और ना ही उन अधिकारियों को जिनका तहसील परिसर में रोज का आना जाना रहता है। हरिद्वार तहसील परिसर में कूड़े कचरे के ढेर इस कदर चारों तरफ देखने को मिलते हैं कि अधिकारी केवल दूसरे को सबसे ज्यादा सफाई अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित तो करते हैं, लेकिन अपने खुद के हरिद्वार तहसील के अधिकारी परिसर में कूड़े कचरे का फैलाव इन वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है। अब कार्रवाई का पैमाना क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त और अधिकारियों की सतर्कता ही तय करेगी। और लखीमपुर खीरी में पलिया के प्रमुख व्यापारी नेता रवि गुप्ता के कोरोना के कारण बंद हुए जिले की इंडो नेपाल सीमा को खोलने की कवायद तेज कर दी है। व्यापारी नेता रवि गुप्ता ने नेपाल के जिला अधिकारी खनेन्द्र प्रसाद, जिला के एसपी को ज्ञापन देकर इंडो नेपाल की गौरीफंटा बॉर्डर को दोनों देशों के व्यापारियों और आम नागरिकों के हितों में खोलने की मांग की है। साथ ही साथ बॉर्डर संबंधित समस्याओं से भी नेपाल के अधिकारियों को अवगत कराया और भारतीय नागरिकों का विशेष ख्याल रखने की मांग भी की है। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल डीएम ने भी बॉर्डर को खोलने का आश्वासन दे दिया है। तो नेपाल भारत बॉर्डर खोलने की मांग काफी दिनों से थी और अब इस को खोलने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। व्यापारी नेता ने नेपाल के डीएम से इस बाबत मुलाकात भी की है ताकि इस बॉर्डर को खोला जाए। उन्होंने इस बॉर्डर को खोलने की अपनी मांग भी सामने रखी है। और वहीं उत्तराखंड में लगातार 5 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तपोवन और देवप्रयाग के बीच में जगह जगह पहाड़ दरक कर सड़कों पर आ गए हैं, जिससे कि एक दो नहीं बल्कि करीब 1.5 दर्जन जगह जो है वो बंद है, यानी पूरे रास्ते बंद है। हालात ऐसे है कि आवश्यक सेवाओं समेत 40 से 50 वाहन हाईवे पर फंसे हुए हैं। वाहनों में सवार लोगों ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार रात से वो भूखे प्यासे हैं, क्योंकि सफर में साथ लाया गया खाना और भोजन जो है वो खत्म हो गया। रास्ते में कोई होटल या फिर ढाबा भी नहीं है, प्रशासन भी उनकी कोई सुध लेने को तैयार नहीं हो रहा है। वहीं आवश्यक सेवाओं में शामिल रसोई गैस सिलेंडर और राशन के ट्रक हाईवे पर फंस जाने से संबंधित शहरों के लोगों की चिंता राशन और गैस सिलेंडर को लेकर बढ़ गई है। तो राशन और गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की चिंताएं जो है वो बढ़ गई है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से हाईवे को साफ करने के लिए 2 JCB और 4 पॉकलैन मशीन भी लगाई गई हैं, लेकिन लगातार आ रहे मलबे की वजह से हाईवे को क्लियर करना अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मखमली बुग्याल अपनी सुंदरता दिखा रही हैं। हिमालय के आंचल में बसे खूबसूरत बुग्याल इन दिनों विभिन्न प्रजाति के फूलों से सजे हैं। तीर्थयात्री और पर्यटक हिमालय में आंचल में बसे हैं, इन मखमली बुग्यालों तीर्थ स्थलों और साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू भी हो रहे हैं। और पर्यटक तो ये चाहने लगे हैं कि सरकार इन तीर्थ और पर्यटक स्थलों का और ज्यादा विकास करे, जिससे कि देश विदेश के लोगों
तक इन स्थलों की जानकारी पहुंच सके। वहीं आपको बताते चले कि वैश्विक महामारी यानी कोरोना के कारण चारधाम यात्रा बंद होने से केदार घाटी समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रकृति प्रेमी इन दिनों त्रिगुण नारायण और पलावी कांठा समेत कई जगहों का पैदल ट्रैक कर भ्रमण कर प्रकृति सौंदर्य से रूबरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि मनमाणाई तीर्थ की यात्रा बहुत ज्यादा मुश्किल यानी कठिन है और तीर्थ में हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसी के साथ अपना उत्तराखंड के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।